मिर्च पाउडर डालकर की थी वारदात। रीवा में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 70,000 रुपए की लूट, नाबालिग समेत दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जय स्तंभ चौक में मिर्च पाउडर डालकर लूट करने वाली घटना का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से एक बाइक में आए तीन बदमाशों ने 70,000 रुपए की लूट की। एक सप्ताह से पुलिस कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खोज रही थी। इसी बीच एक नाबालिग को संदेह के आधार पर स्केच बनवाया गया, फिर शहर के चर्चित लुटेरों से पूछताछ की गई, तब पता चला कि चार लोगों ने मिलकर वारदात की है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ में आए आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया है, जबकि दो बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास सिटी कोतवाली पुलिस ने जारी कर रहा है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रूपलाल उइके ने बताया कि 30 सितंबर की रात 9:30 बजे संजय कुमार वाधवानी पुत्र आसन दास 42 वर्ष निवासी संजय स्वीट्स के पास सिंधी कैंप थाना कोलगवा जिला सतना के साथ लूट की वारदात हुई। वह देर रात विजय कुमार नागवानी व सचिन तिवारी के साथ थाने आए, शिकायत के आधार पर लूट का प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की। फरियादी ने कहा कि मुरली भवन सतना में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वह बिजली के सामान की होलसेल का कार्य करता है। दुकान का सामान सतना से रीवा शहर की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में आता है। प्रत्येक शनिवार को पैसा वसूली करने रामपुर, बाघेलान व रीवा आता था। 30 सितंबर को बाइक से आया, उसके बाद 70,000 रुपए का कलेक्शन किया, फिर बाइक को खड़े कर बस से सतना जाना था। वह खन्ना चौराहे से जय स्तंभ चौक पैदल निकला, तभी काले रंग की बाइक में तीन व्यक्ति आए जो बैग छीनने लगे। विरोध किया तो एक व्यक्ति ने आंख व शरीर में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद बैग छुड़ाकर तीनों सतना की ओर भाग गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 717/2023 IPC की धारा 392 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। CSP ने दो टीम बनाई, आरोपियों की पता तलाश के लिए फुटेज देखे। एक आरोपी को पहचान कर हिरासत में लिया गया, वह अपचारी बालक निकला। उसने कहा कि अपने दो साथी अंकुश दुबे और अभिषेक के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। बाल अपचारी के कब्जे से लूट की रकम 8,000 रुपए बरामद किया है। मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई गई, जिसमें आरोपी द्वारा कई बार कॉल किया गया था। मोबाइल कॉल डिटेल से एक और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपना नाम मनीष उर्फ लकी, पिता शिशुपाल, 21 वर्ष निवासी ढेकहा का होना बताया। आरोपी से पूछताछ पर बताया कि घटना दिनांक को फरियादी का लोकेशन बताया गया है। लूट के हिस्से में मिली रकम 6,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं अंकुश दुबे और अभिषेक की पता तलाश जारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।